बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ का पुतला दहन किया। भाजपा का कहना है कि जब कांग्रेस के प्रदेश में सरकार थी तब 500 करोड़ का घोटाला कमलनाथ सरकार ने किया था। उनका कहना है कि छोटे से शासन काल में यह बहुत बड़ा घोटाला है और हम यह मांग करते हैं कि दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। छिंदवाड़ा से सौरभ भटनागर की रिपोर्ट। पार्टी ने आज बरसी मनाई है जो 500 करोड़ का पेमेंट बिना टेंडर बिना ठेकेदार के 500 करोड़ का पेमेंट हो गया कंपनी को पीएचई विभाग में। उसके लिए हमने उसमें ई को सस्पेंड करके एचसीसी कर ली। जो व्यक्ति मुक्त भ्रष्टाचारी है उनको ये बात समझाने के लिए सुनाने के लिए हमने आज ये रखा, उसकी बरसी मनाई। आज एक साल हो गया इस पैसे को, आज तक पता नहीं चल रहा है 500 करोड़ गया कहाँ। इस जिले की जनता के लिए पानी के लिए वो पैसे आया था और वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया।